क्लियर है? वीडियो दिख रहा है तुम लोग यस सर। यस सर। ओके, लास्ट क्लास प्रॉब्लम बनी है सबको क्या? डी मोरगेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। बोलो, किसी कोई डाउट है? नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? लास्ट क्लास हम लोग क्या डिराइव किए थे? cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर में n होगा तो क्या होगा बताओ? cosine थीटा प्लस आई साइन इन थीटा। सेकंड टाइमिंग ही इसलिए 5 मिनट वेट कर। कॉस एन थीटा प्लस आई, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अगर हम नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तुम बहुत बार सुना होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का इक्वल टू ई टू द पावर आई। पढ़ाने देता ही नहीं है। टाइमिंग बोलते हैं 11 बजे और आए गए लोग 10 मिनट 5 मिनट लेट से। तुम ही लोगों का नुकसान है भाई, क्या है इनको डांट। भाई जहाँ क्या टाइमिंग है क्लास का? 10 मिनट पहले पहले देखो तुमको मार। और भी लोग हैं, आ जाओ अगर है तो। लेकिन आएंगे जब पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। हाँ ठीक है, कॉस एन थीटा ये हम लोग डिराइव करेंगे। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं? ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन बताओ क्या होता है? बोलो, एक्स का एक्सपेंशन बताओ। वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फोर बाय फैक्टोरियल 4 प्लस x टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से होता है जी, याद है तुम लोग यस को? तो क्या यस बोलते हैं उसी तरह से साइन थीटा का एक्सपेंशन बताओ क्या होगा? साइन थीटा का एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थीटा एक्स माइनस माइनस वन। थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये ऑड फंक्शन होता है ना, याद करने का तरीका, ये ऑड फंक्शन होता है इसका ऑड पावर होगा। और कॉस थीटा कैसा फंक्शन होता है? इवन इवेंट फंक्शन फंक्शन होता है, इसलिए इसमें इवेंट होगा। वन माइनस थीटा, हाँ वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस थीटा फोर बाय फैक्टोरियल फोर माइनस डॉट 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 होगा कि नहीं? ये तीनों एक्सपेंशन याद है तुम लोग को? यस सर। एक्स का, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पुटिंग कर रहे हैं ईएक्स में एक्स के जगह में आई थीटा। चलो करते हैं, क्या होता है, एक्स के जगह आई थीटा पुट करो फिर ई आई थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाएगा वन प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस आई थीटा का पावर में होल क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस आई थीटा का पावर में होल फोर बाय फैक्टोरियल फोर आई थीटा का पावर में होल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 डॉट। ये इंटीजर चलता रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? एक्स के एक्सपेंशन ये जानते हैं हम लोग, साइन थीटा ये होता है और कॉस थीटा, ये हम लोग तीनों चीज जानते हैं। हम लोग क्या किया, एक्स के जगह में आई थीटा पुट कर दिए तो ये हो गया। चलो अब इसका वैल्यू लिखते हैं, ई टू द पावर आई थीटा वन प्लस इसके साथ आई थीटा है तो आई थीटा रहने दो। ठीक है, अब ये बताओ, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बताओ? -1 -1 हाँ, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू। ठीक है, फिर प्लस आई थीटा, आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? आई क्यूब बाय माइनस आई थीटा माइनस आई, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस आई फोर का वैल्यू कितना होता है? वन।
इसे थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 और i का तो हमें 5 को 1 i लिखते हैं, i थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो नंबर्स वाला वैल्यू उसको एक साथ रख लेते हैं और जो i वाला उसको एक साथ, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस i कॉमन ले लो तो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। जहां तक कोई दिक्कत इसको सॉल्व मिटा दें। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है? ये क्या बन गया, यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया बताओ? cos थीटा का एक्सपेंशन, cos थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग cos थीटा प्लस i, और ये वाला क्या बन गया? sin थीटा, sin थीटा। यहां किसी को दिक्कत, तो फार्मूला मिल गया मेरे पास e टू दी पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू e टू दी पावर i थीटा। सिमिलरली हम लोग e टू दी पावर माइनस i थीटा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, होगा कि नहीं बोलो? यस सर, होगा ना। चलो अब यहां से इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, पहला 1 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, होगा कि नहीं? cos थीटा को सिंपली कर लेंगे तो 2 cos थीटा, तो एक नया वैल्यू निकल गया cos थीटा को, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2। बहुत जगह यूज भी किया हो तुम लोग, आज इसका डेरिवेशन देख लो, cos थीटा इक्वल टू e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2। इसी तरह दोनों को सबट्रैक्ट करो, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इक्वल टू 2y sin थीटा, होगा कि नहीं बोलो? यस सर, होगा ना। यानी इसको यहां से 2y हटा दो, sin थीटा का ये वैल्यू निकल गया। मतलब हम लोगों ने एक नया फार्मूला सीख गया है, e के फॉर्म में लिखा फंक्शंस को, मतलब cos थीटा को लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2, और sin थीटा को लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2y, और e टू द पावर i थीटा का cos थीटा प्लस i sin थीटा। तुम लोग को ये पता है cos 2n pi का वैल्यू कितना होता है? n का कुछ भी वैल्यू डालोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है? और sin 2n pi का वैल्यू कितना आएगा जी? 0। अभी कौन अभी आया है? जलील जी और भी लोग हैं, युवराज सिंह, हाँ जस, ठीक है यार, तक सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को बताया है, इन लोगों को मत बताना जो लेट से ज्वाइन है, ठीक है? कोई भी मत बताना इन लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? cos 2n pi का वैल्यू कितना होगा? ऑलवेज 1 होता है, और sin 2n pi का वैल्यू ऑलवेज 0 अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स बता, ठीक है? अगर इनमें कोई भी इंटीजर्स नहीं है ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? एस वन में e टू द पावर i थीटा इक्वल टू थीटा प्लस i sin थीटा, i sin थीटा e टू द पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस i sin थीटा, इसी को हम लोग सबट्रैक्ट किए या ऐड किए तो ये निकल गया, और सबट्रैक्ट किए तो ये, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है e टू द पावर i और यहाँ पे लिखा है मैथ, तो क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिखेंगे cos मैथ प्लस i sin मैथ, ठीक है? ये एग्जांपल में बता रहे हैं। उसी तरह बताओ e टू द पावर 2n pi को क्या लिखेंगे बताओ? cos 2n pi प्लस i sin 2n pi। चलो दोनों का वैल्यू बताओ कितना होगा, cos 2n pi का वैल्यू 1, इसका 0 यानी 1, यानी हम लोग डायरेक्टली जहां भी हमको 1
लिखना होगा ना यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट व्हेन पाई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आर इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एन पाई आई का भी वैल्यू माइनस, दोनों का वैल्यू सेम होता है याद रखना, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि ई टू दी पावर टू एन पाई आई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, या ई टू दी पावर माइनस टू एन पाई आई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। इसी तरह से हम पूछे तुम लोग ई पाई बाई टू आई का वैल्यू कितना होगा, बताओ बोलो सोचो और बताओ। e पाई बाय टू इनटू आई ऐसे है आई 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 सर माइनस नहीं होगा सिर्फ आई होगा। और इस तरह से अब e बताओ e टू दी पावर पाई आई का वैल्यू कितना होगा, बताओ जल्दी से e टू दी पावर पाई आई का वैल्यू कितना होगा, माइनस वन सर माइनस वन, वेरी गुड। इसको इस तरफ ले आओ तो ई टू दी पावर पाई आई प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको यूलर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें इसका खासियत तुमको बता देते क्या क्या है इसमें। ई यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है, और पाई ये दोनों कैसा है, ई रैशनल नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई है इमेजिनरी नंबर, एडिशन है वन के साथ, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है जीरो। कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, e यानी 2.71 यही होता है ना e का वैल्यू, और भी होता है आगे मतलब 3.14 स्क्रीन ऑफ हो गया 3.14। इसके बाद जो होता है i यानी रूट अंडर माइनस वन प्लस वन, इन सब का सम क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, इसीलिए इस इक्वेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, है समझ में पूरा चीज, चलो वैल्यू होता है ओके। याद रखना e टू दी पावर पाई आई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं, यूलर्स साइंटिस्ट ने सेल्फ सेट किया था, डेराइव किया था फॉर्मूला। अब हम लॉगरिथमिक में इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी हमको लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू चाहिए, अगर कहीं पर लॉग अल्फा प्लस आई बीटा लिखा होगा ना तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग अल्फा इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट कर देते हैं एंड बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ से बताओ आर इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू ही बताओ टैन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, चलो वेरी गुड टैन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब स्टार्ट करते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग अल्फा की जगह क्या माने हम लोग आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। चलो लॉग आर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग आर प्लस लॉग ई टू दी पावर आई थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, इनटू हम कर दे रहे ई टू दी पावर टू एन पाई आई, कोई दिक्कत है क्या बताओ, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वन से तो कोई फर्क पड़ता है, लॉग पांच लिखा हुआ इसको हम एक से गुणा कर देते हैं, क्या वो लॉग दस हो जाएगा, बोलो वही रहेगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखो लॉग अल्फा का वैल्यू लिख लो रूट अंडर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लॉग ई में दोनों तो पावर एड हो जाएगा, आई कॉमन ले लो तो हो जाएगा टू एन पाई प्लस थीटा होगा कि नहीं, कोई दिक्कत, ये वन बाई पावर टू है तो इसको लिखो वन बाई टू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लॉग का प्रॉपर्टीज और जो होता आगे आ जाता है इसको लिखेंगे आई टू एन प्लस थीटा, और लॉग का वैल्यू कितना होता है जी, लॉग का वैल्यू वन, तो नहीं लिखेंगे वन, ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टू एन पाई प्लस
थीटा का वैल्यू कितना आता है टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये निकल गया। तो इसका डेरिवेशन पहला हमने निकाला e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, निकाले ना। अब हमने निकाल दिए log अल्फा प्लस i थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 log अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर को यहां पे लगा दिया i 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। दो फार्मूला इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला, ये निकला ना। अब n को हटा देंगे ना, n वाले टर्म्स को, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू log alpha square plus beta square plus tan i tan inverse beta by alpha, इसको बोलेंगे principal value, इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे बोलो इसको कहेंगे general value और इसको कहेंगे principal value। दिक्कत बोलो नहीं है ना, ये है नहीं है। तो मैं दो फॉर्मूला किए हैं आज डेराइव। सबसे पहले बोलो वहां पे जो आप जो 2n पाई में आप जो n हटा रहे हैं तो उसमें से 2n 2 पाई और i भी तो मिस हो जा रहा है, तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पे। जब जनरल फॉर्मूला में लिखेंगे ना तो n नहीं हटेगा। जैसे हमने पहले निकाल किया e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, जब हम log अल्फा प्लस i बीटा लेंगे ना, ये हो जाएगा फॉर्म में log 1 by 2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस i 2n pi प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो जब जनरल के लिए ये होता है जनरल फॉर्मूला, क्योंकि n पे डिपेंड कर जाएगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो अलग वैल्यू निकलते जाएगा, लेकिन n इक्वल टू हम लोग जीरो ले लेंगे, n जीरो ले लो यहाँ पे, तो ये जो आएगा log अल्फा प्लस i बीटा ये हो जाएगा 1 by 2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ऐसा में n का वैल्यू वहां पे जीरो हो जाता है, मतलब वो टर्म ही हट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है बोलो? हाँ सर। ओके अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। कोई दिक्कत है इन तीनों में? साइन थीटा क्या आया था बताओ तो फटाफट, बिना पीडीएफ देखे बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या आया था? नहीं याद है किसी को? e टू द पावर आई थीटा आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा बाय 2i। वेरी गुड। cos थीटा क्या आया था? e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाय 2। चलो हम लोग फॉर्मूला करेंगे। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 0 0, लेकिन आज हम 0 नहीं सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे। log 1 का भी कुछ वैल्यू होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 0 plus i sin 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए चलो 1 equal to cos 0 plus i sin 0 लिख सकते हैं? बोलो हाँ सर। यस सर। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर i इनटू 0? यस सर। यस सर। इसको e टू द पावर 2n पाई i भी कर सकते हैं? हाँ 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 सर। ये वैल्यू क्या है इसका वैल्यू? यानी log इन दोनों को ऐड करेंगे तो e टू द पावर 2n पाई i होगा, होगा ना? यस सर, 2n पाई आई आगे आ जाएगा, 2n पाई आई हो जाएगा। तो log 1 का वैल्यू ये हो जाएगा। लो उतना दिन से हम पढ़ रहे थे log 1 का वैल्यू 0 होता है, आज हम लोग के साथ दो का हो गया, हुआ ना? क्या ये पढ़ रहे थे ना हम log 1 का वैल्यू 0? वहां हम लोग गलत थे क्या? वहां हम लोग गलत थे? नहीं सर, इनके 0 हो रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू था सर। क्या बोल रहे हो बोलो? कैमरा सर। ओ कैमरा, पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं। हाँ अब बता, जो हम लोग उतना दिन से पढ़ रहे थे log 1 का वैल्यू 0, जो गेसिंग करने वाला था बता रहे हैं इतना गलत काम कर रहे हैं, बताओ आप लोग गलत थे कि सही थे? हाँ वो प्रिंसिपल वैल्यू था सर।
ये जनरल है, वो प्रिंसिपल वैल्यू था। हाँ एक बात, दूसरा बात तो ये था ठीक है, एन का मैं तुम मान ले रही तो सर आवाज क्लियर नहीं है मेरा, साउंड क्लियर नहीं है, एक सेकंड देखना पड़ेगा वाईफाई काम कर रहा है, वाईफाई काम कर रहा है अब ठीक है सर। हाँ बताओ, तो सामने से बोलना पड़ेगा, क्यों ऐसा कर लेते हम लोग, जीरो क्यों ले लेते थे, इतना अत्याचार क्यों करते थे मैथ के साथ, बताओ बोलो पूछो, नहीं सोचना बताइए सर आप, तुम्हें नहीं बताएगी, हम लोग इसको इसलिए करते थे, ये क्या लिखा हुआ, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये कल भी बताए थे इसीलिए ये क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर ये निकल रहा है, मेरा रिजल्ट क्या है, इमेजिनरी, इतना मैथ्स पढ़े ना शुरू से लेके अंत तक सब में हम लोग रियल वैल्यू पे बात कर रहे थे, और रियल वैल्यू इसका जीरो होगा, एन का वैल्यू जीरो पुट करेंगे ना, सिर्फ जीरो ही एक रियल वैल्यू निकलेगा, और एन का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो जीरो छोड़ के तो एक क्या वैल्यू निकलेगा, इमेजिनरी वैल्यू, और इमेजिनरी को हम लोग नहीं लेते, क्लियर आया समझ में सर, ओके चलो, लॉग नेगेटिव क्या होता है, अनडिफाइंड बोलो, पढ़ा था तुमने लॉग नेगेटिव क्या होता है, कहीं भी लिखा होता है लॉग नेगेटिव उसको अनडिफाइंड कर देते, याद है, यस सर, नहीं याद है, चलो इसको लिख सकते हैं लॉग माइनस वन इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना वन को लॉग वन माइनस वन इंटू एक्स, यस सर, ये क्या हो जाएगा log माइनस वन इंटू प्लस log x, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, log का प्रॉपर्टी, चलो log माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, ठीक से बताना, cos pi प्लस i sin pi, cos pi प्लस i sin pi, वेरी गुड, यानी log e टू दी पावर pi i होगा ना, होगा वही log इसमें e तुम्हारा है, क्या ऐड कर दो, e टू दी पावर 2n पाई ऐड कर दो प्लस log x, ये हो जाएगा log e टू दी पावर पाई आई कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 प्लस log x हो जाएगा, इसको आगे ले आओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 पाई आई प्लस log x, क्लियर है बोलो, आंसर बोलो, कितना है आई को क्या लिखे हो बताओ, cos pi by 2 plus cos pi by 2 plus i sin pi by 2, फिर e to the power pi by 2 हो गया होगा, इसके साथ में e to the power 2h pi है तो तुम ऐड कर दिए होगे, एक जरूरी सूचना, अगर जब भी क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो जैसे तुमको एंड में निकालना है तो एंड में निकालो, अगर कहीं क्वेश्चन में प्रूफ किया है लिखेगा प्रूफ दैट, और उसमें अगर एंड का टर्म्स होगा तब हम जनरल पे जाएंगे, और एंड का टर्म नहीं होगा तो प्रिंसिपल पे जाएंगे, वो बोलेगा नहीं कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे लेके चलना है या जनरल वैल्यू पे चलना है, वो देखना होगा, अगर क्वेश्चन में प्रूफ दैट दिया हुआ है और प्रूफ दैट के साथ में एंड भी दिया हुआ है तो तुमको कैसे लेके चलना है, जनरल, और एंड नहीं दिया है तो प्रिंसिपल, क्लियर है,
बोलो समझ में आया। अगर क्वेश्चन में इवेल्युएट वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है तो ठीक है, तुम एन निकाल दो या आई में एन में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। या अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकाल दो, लेकिन एन पे ही निकाला जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब लोग प्रूफ दैट पे जाएंगे क्वेश्चन, अगर प्रूफ दैट रहेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और आर एच एस में अगर एन का टर्म्स है तो तुमको कैसे जाना होगा बोलो जनरल में, ठीक है, और एन का टर्म्स नहीं है तो प्रिंसिपल में। क्लियर? इसका वैल्यू कितना है बताओ, इतना टाइम दे देती हूँ, बताओ कितना है। नहीं है, ये नहीं आया, फोर एन प्लस वन बाई टू इंटू पाई आई, आया कि नहीं सर? आ गया नहीं आया तो बोलो, आ जाना चाहिए, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ दैट साइन इनवर्स आई, आई लिखा हुआ है ठीक है, वर्ड नहीं, साइन इनवर्स आई इक्वल टू टू एन पाई माइनस आई लॉग रूट टू माइनस वन। ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग क्लास 12 में इनवर्स पढ़े थे, इस तरह इसको ही प्रूफ करते हैं। लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स आई इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स होगा, देयरफॉर ई टू द पावर आई एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो, cos x plus i sin x। चलो cos x को sin में, sin x मेरे पास लिख सकते हैं root under 1 minus sin square x plus i sin x का वैल्यू i लिया हो, ठीक है, root under 1 minus sin x का वैल्यू कितना i, तो i का होल स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू लिख दो, i स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस वन, यानी रूट टू ये माइनस वन, ठीक है, इसके साथ वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीन पर स्क्रीन का दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, स्क्रीन, हाँ स्क्रीन हटा दीजिए, स्क्रीन बोल देगा तुम लोग तो लग रहा कभी कभी स्क्रीन बोलते बोलते, चल मैं कोई दिक्कत टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आई एक्स होगा, ये हो जाएगा लॉग रूट टू माइनस वन, फिर प्लस टू लॉग टू एन पाई, लॉग में अलग हो जाता है ना, लॉग प्रोडक्ट ई टू द पावर टू एन पाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह आई एक्स हो जाएगा, ये ठीक है, लॉग रूट टू माइनस वन ये भी ठीक है, फिर ये आगे आ जाएगा टू एन पाई आई। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए था एक्स का वैल्यू ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू दिस है, तो आई से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन बाई आई लॉग रूट टू माइनस वन यू टू एन पाई आई बाई आई, ये आई आई कैंसल, प्लस एक्स का वैल्यू कितना माना था हम साइन इनवर्स आई, इसको पहले लिख दो 2n by 1 by i minus i minus log i root। Okay, proof. Yes. Okay. कोई दिक्कत? Okay. मिटा देते हैं इसको, ठीक है? Next question. Next question थोड़ा सा तुम लोग idea देना कि कैसे कैसे start करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स का पावर में आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस टू एन पाई माइनस पाई बाई टू, माइनस ये ना, माइनस एलएचएस लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स इक्वल टू आई, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर आई एक्स, ठीक है, सही बोल रहा है वो, बोलो सही बोल रहा है वो,
हाँ भी नहीं ना भी नहीं, हम पूछे इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं e to the power i x नो सर, नो सर, नहीं लिख सकते कि नहीं लिख सकते cos pi by 2 minus x लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस i sin pi by 2 minus x ये लिख सकते हैं? यस सर, सर ये क्या, अब क्या लिखेंगे बता, अभी तो बता दो, e के पावर में पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू वाई, e टू दी पावर पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू आई, और फिर यहाँ पे वन मल्टीप्लाई यानी e टू दी पावर टू एन पाई आई, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब क्या करेंगे, i कॉमन ये ऐसे कर दो, e टू दी पावर एक साथ लिख दो, पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस टू एन पाई और बाहर में i, अब ये आई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि पावर है, तो i into i कितना होता है? माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन हो जाएगा x माइनस पाई बाय टू माइनस टू एन पाई, देखो यही आंसर अगर पीछे पर। बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम, बोलो डन पावर आई ए, फिर से लिखा हुआ है साइन बी, एंड प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी माइनस क्या लिखा हुआ है, नहीं साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन का था पर है साइन ए हो गया, साइन ए इनटू ई टू द पावर लिख दिया, क्वेश्चन कुछ और लिख दिया, साइन ए इनटू ई टू द पावर आई भी होगा, तो था यहाँ पे करेक्ट कर लो तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर में बता, एक सेकेंड आंसर कर लेते हैं, क्या होगा साइन ए लिख लो इसका स्क्रीन शॉट हो सके तो ले लो, साइन ए इंटू ई टू पावर आई बी लिखा हुआ है, अच्छा उसका दूसरा क्वेश्चन का लिख दिया, दोनों का एलएचएस ही लिखो, स्टार्ट करते हैं सर, क्या बोला एलएचएस सर, आइसक्रीम, हां रन कर देखो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए माइनस बी लेके चलेंगे प्लस e to the power LHS लेके चले ना, e to the power i a को क्या लिख सकते हैं बताओ, cos a plus i sin a, i sin a हो जाएगा sin b, इसका फॉर्मूला याद है हम लोग को sin a minus b का, बताओ क्या होता है, sin a into cos b, sin a minus into cos b, cos b minus cos a into sin b, इसको भी ब्रैकेट ओपन कर दो, cos a into sin b, फिर i sin a into sin b, यहाँ से ये आके कैंसिल हो गया, हो गया ना, अब इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है, sin a कॉमन जा रहा है, ले लेते हैं तो sin a कॉमन क्या बचेगा, cos b प्लस i sin b बचेगा कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, sin i e का पावर आई ठीक है, यस सर, तो दिक्कत है यार, नहीं सर, बोलो ओके, बढ़िया से क्वेश्चन निकाल, ये सिंपल सिंपल बन जा रहा है, पहले आसान में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, फोर मार्क्स में फाइव मार्क्स में तो इस तरह तो मिलेगा तुमको, एक या दो में दो क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रूव दैट लॉग वन प्लस ई टू दी पावर आई थीटा, तो पहले ट्राई करना तुम लोग, देखते हैं अगर ट्राई हो पाता है तुमसे, तो इक्वल टू लॉग टू कॉस थीटा बाय टू प्लस आई थीटा, ठीक है ना, वन बाय टू आई थीटा या बाय टू, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करेंगे कैसे, प्रूविंग स्टार्ट करेंगे बोलो,
एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस पर क्या आ जाएगा, लॉग लॉग 1 1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा होगा ना, करेक्ट करते हैं इसको, बताओ लॉग 1 प्लस बोलो बोलो cos theta plus i sin theta 1 plus cos theta क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 cos square theta by 2 2 cos square theta by 2 very good, और sin theta by sin theta क्या लिख सकते हैं, 2 sin 9 theta by 2 into cos theta by 2 कुछ कॉमन जा रहा है दोनों में, यस सर 2 cos theta by 2 और बचेगा क्या, 1 plus i sin theta by 2 करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, क्या सर नहीं करेंगे सर, नहीं नहीं करेंगे सर, क्योंकि इसमें एन का कोई भी टर्म नहीं दिया है, सिंपली आ जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा लॉग 2 cos थीटा बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग e टू द पावर बोलो क्या बन जाएगा, i थीटा बाय 2 i थीटा बाय 2 i थीटा बाय 2 आई आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 cos theta by 2 plus i theta by 2 हो गया प्रॉब्लम, आया समझ में, यस सर नहीं आया, चलो बन जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दे रहे हो तुम लोग, 2 मिनट का टाइम है तुम लोग, बस फटाक से बताना कितना आएगा क्वेश्चन, ऐसा है i का पावर में i इक्वल टू 1 माइनस 1, चलो टाइम स्टार्टेड नाउ, अब तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो गया प्रयोग, हो जाना चाहिए तक 10 9 8 7 6 5 4 हो गया 3 2 1 नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, सोचना इसके बारे में, बता दे बोलो बता दे इसको, नहीं बोलता है तुम कुछ भी, यस सर बता दीजिए, हो गया सर वेरी गुड, कैसे किया बता दो इन लोगों को क्या किया, वहां पे i की जगह पे लिख दिया है cos pi by 2 plus i sin pi by 2 sin pi by 2 ये i आ गया, इसको लिख दिया log वेरी गुड cos pi by 2 plus i sin pi by 2 सोचना तो पड़ेगा भाई थोड़ा, मैथ होने से तो सोचना ही पड़ेगा, साइन पता नहीं इधर से तुम लोग ऐसे, ये इसको क्या लिख सकते हैं e का पावर में i पाई बाय 2 और ये आगे जाएगा क्योंकि n का तो कुछ काम नहीं है वहां पे, लेंगे नहीं हम लोग i into i पाई बाय 2 होगा log e के बटे 1 तो साइन i का कितना होता है माइनस पाई बाय 2 और तो माइनस साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 कितना 0 होता है ना, 1 1 होता है, 1 होता है सर, छाप लो जिसको छापना है, आइसक्रीम लो, समझ में आया ना, मिटा दिए फटाफट, वो देखने नहीं ऐसे में कि फिर से बता दे, अच्छा तुमसे कोई पूछे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है तो क्या बोलोगे बताओ, बोलो कोई तुमसे पूछे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है
नहीं पता है तो आज बता दो, वन का पावर में वन बाई थ्री का पूछे कितना वैल्यू आएगा, तो कभी नहीं बोलना उसको वन आएगा, इंटर तक बोले वन समझ में आया, लेकिन अब ग्रेजुएशन के बाद कभी नहीं बोल रहे इसका वैल्यू वन होगा, इसका वैल्यू तीन होगा, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, दो टो होता है सर, क्या दो टो तो कोई पता तो है, ओमेगा कर देंगे, प्लस और माइनस वन होता है बस, क्यूब रूट ऑफ माइनस सॉरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, वेरी गुड, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ये निकालो तो तुम लोग बताते हैं भी मॉडल सीरोम से निकाल सकते हो, आसान है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एक स्पेसिफिक वैल्यू है इसमें उसका नाम ओमेगा रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या नाम होता है बोलो, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाय टू, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन, जानना ठीक है, ये नोट लिखा होगा याद कर लेना, काम का चीज है, ठीक है, मिटा दे इसको, बोलो इस क्वेश्चन है एक, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दिए तुम लोग को पेज नंबर 16 में, प्रूफ दैट है सब बना लेना तुम लोग, ठीक है सर, वन इसके बाद हेलो वन क्या बोल रही है बोलो सर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन से होगा, वन प्लस ओमेगा नहीं जीरो होता है सॉरी, तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस आई रूट थ्री बाय टू हो जाता है इसका, और इसका माइनस वन बाय टू माइनस आई रूट थ्री बाय टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बाय टू वन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू यानी कट के जीरो, नहीं नहीं जीरो होता है, ठीक माइनस का जीरो जीरो होगा जीरो, चलो थैंक यू बताने के लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 में क्वेश्चन दिया है, कम से कम 8 क्वेश्चन होगा बना लेना, ठीक है, एक क्वेश्चन उस वाला भी कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा याद रहेगा, लॉग ए प्लस आई बी इक्वल टू, ये प्रूफ करना है तुम लोग को, log a plus ib equal to दोनों by में, ठीक है, a plus ib log a minus b can prove that 2i tan inverse b b by a, चलो बड़ा फटाफट स्टार्ट करो, वाला लगाओ फॉर्मूला यानी बता दे, स्टार्ट करो, LHS equal to log a plus ib by a minus ib, ठीक है, तो log का प्रॉपर्टी क्या होता है, log a प्लस आई बी हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस आई बी होगा, इसका फॉर्मूला बताओ, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा क्या था फॉर्मूला, किसी को याद है, 1 बाय 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, 1 बाय 2 लॉग, हाँ वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स b बाय a, क्योंकि एंड नहीं है इसमें हम लोग, इसलिए एंड नहीं ले रहे हैं, फिर माइनस हो जाएगा 1 बाय 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स b बाय a, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और i प्लस i 2i टेन इनवर्स b बाय a होगा, बोलो यस सर, यस सर, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब जो करने जा रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आसान आसान क्वेश्चन फट गया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा सोचने वाला, क्वेश्चन है पेज नंबर जो 17 में लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट, इमेजिनरी बोल रहा है, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और दूसरा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई होगा, बोलो ये बोल दिया है, एंड देन प्रूव दैट, प्रूफ करने क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू ई अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई बीटा एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू
दैट रूट रूट थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स। क्वेश्चन देखने में इतना हार्ड है उतना हार्ड है नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी वाले ये दोनों नंबर्स होता है एक ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, एक को हम अल्फा ले लिए एक को बीटा मान लिया। अब एलएचएस लेके स्टार्ट करते हैं, तो एलएचएस एलएचएस में क्या दिया हुआ है बोलो, अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा ई टू द पावर थीटा एक्स। पहले पुट करते हैं हम लोग, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू और ई यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू अलग अलग कर दे रहे हैं ठीक है इंटू एक्स, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर प्लस बीटा का वैल्यू माइनस क्या हो गया माइनस वन बाई टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू ठीक है इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स। कोई दिक्कत है इसको वैसे ही लिखो ज्यादा अच्छा बाई टू बाई टू। कुछ कॉमन जा रहा है क्या बताओ तो, कुछ कॉमन जा रहा है इधर यस सर क्या जा रहा है बताओ e to the power minus x by 2 divided by 2 very good e to the power minus x by 2 by 2 यहाँ पे क्या बचेगा minus 1 plus i root 3 बचेगा अरे बचेगा e to the power minus i root 3 by 2 x। आया समझ में बात, इसको डिटेल में बता देंगे x से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो minus i root 3 by 2 x हो जाएगा और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दो माइनस आई रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस आई रूट थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा दोनों में x आएगा e टू दी पावर माइनस x बाई टू हम पहले बाहर ले लिए तो इसके पास भी टू इसके पास भी बाहर इसमें क्या बचेगा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री पावर रूट थ्री बाई टू होगा। सुन रही है हाँ बोलो क्या रही है प्लस होगा यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो किसी को भी परेशानी है इसमें नहीं है ना ये है नहीं चलो e to the power minus x by 2 लिख सकते हैं minus 1 plus i root 3 इसको क्या लिखेंगे बताओ आइए इसमें cos root 3 by 2 x plus i sin root 3 by 2 x plus जाएगा तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ही ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा ये प्लस हो जाएगा ना दोनों में निगेटिव है ना माइनस कॉमन में वन प्लस आई रूट थ्री हो जाएगा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स माइनस आई साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। क्लियर है बोलो यस सर इसको भी मिटा देना इसको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्रैकेट ओपन करो क्या मिलता है बताओ ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x बाय 2 बाय 2 ओपन करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस cos रूट 3 बाय 2 है और माइनस i sin रूट 3 बाय 2 है फिर i से मल्टीप्लाई करो i रूट 3 cos रूट 3 बाय 2 है और ये हो जाएगा माइनस i माइनस हो जाएगा आई नहीं होगा आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस वन यानी रूट थ्री साइन रूट थ्री बाय टू एक्स होगा। इसको मल्टीप्लाई करो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे माइनस क्योंकि माइनस बाहर में भी है ठीक है माइनस कॉस रूट थ्री बाय टू एक्स हो गया ठीक है यहाँ पे प्रूविंग में माइनस भी है ना बोलेगा माइनस भी है
माइनस कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा आई साइन रूट थ्री बाई टू एक्स हो गया। अब जब इसको रूट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा माइनस आई रूट थ्री कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 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 प्लस और ये वाला एक माइनस यानी माइनस रूट थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। समझ में जो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करते तो आते ही तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आगे का टर्म, तो क्या बचा, दो तो माइनस टू है, दो तो ये वाला है, दो ये वाला है ना, दो टर्म यहाँ पे है, दो टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टू कॉमन चला जाएगा तो इट इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू इंटू टू और यहाँ बचेगा कॉस रूट थ्री बाय टू एक्स प्लस रूट थ्री साइन रूट थ्री बाय टू एक्स। यहाँ से टू टू कैंसिल और आंसर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू बाद में ठीक है ये हो जाएगा रूट थ्री साइन रूट थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस रूट थ्री बाय टू एक्स। ऐसे बनते हैं देखो क्लियर है बोलो। यस सर। ओके तो पेज नंबर तुम लोग यहीं तक आज रहने देते हैं, पेज नंबर तुम लोग कहां तक ट्राई करके आना, पेज नंबर 19 तक सारा क्वेश्चन, पेज नंबर 19 तक कुछ क्वेश्चन हमको पता है नहीं बनेगा लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, बन जाना चाहिए, एनालाइज करने तो आता है दोनों ठीक है। रियल पार्टी इमेजिनरी पार्टी पर इक्वेट करने आता है ना, रियल पार्टी इधर इमेजिनरी पार्टी तो बोलो। यस सर। ओके है समझ में, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आज के क्लास में, नहीं बोलो। नहीं पूछना, चलो ठीक है तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास। ओ शिव भाई कैसा है, ओ शिव भाई शिवम शिवम ओ शिवम 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 अबे शिवम ठीक है भाई टाटा, वनडे मैच है भाई, क्या रे शिवम।